जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। केंद्र में नई सरकार बन गई है, कामकाज भी चालू हो गया है। इस दौरान ईवीएम में खराबी का शोर भी खत्म हो गया था, लेकिन इसी बीच अचानक से एक रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटों की गिनती में बड़ी धांधली होना सामने आया है। दरअसल ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसके जरिए दावा किया गया है कि चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। देश भर में 538 सीटों पर जितने वोट डाले गए, गिनती के वक्त या तो उससे ज्यादा वोट गिने गए या उससे कम। अब ये गड़बड़ी कैसे हुई, चुनाव में क्या झोल हुआ है और इस रिपोर्ट में कौन सा खुलासा किया गया है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। बताया जाता है कि ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यह एक गैर सियासी, गैर पक्षपात पूर्ण और गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सियासी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की ओर से आम चुनाव 2024 को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। ADR की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगति है। हालांकि ADR की ओर से विश्लेषण के आधार पर किए गए इस दावे पर अभी निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ADR की 29 जुलाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में 362 क्षेत्रों में वोटों की तुलना में कुल 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 क्षेत्रों में डाले गए वोट की तुलना में कुल 35,093 मत अधिक गिने गए। लेकिन ADR ने यह साफ नहीं किया कि वोटों में इस अंतर की वजह से कितनी सीट पर अलग अलग परिणाम आए। रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रमाणिक डाटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों के आंकड़े संख्या में न देने, डाले गए मतों के आंकड़े को जारी करने में अनुचित देरी और वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में अब तक फेल रहा है। ADR के संस्थापक के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 और आम चुनाव 2024 में हुए उल्लंघन, अवैधता और अनियमितताओं की गंभीर घटनाओं का समाधान करने और उनके खिलाफ उचित कदम उठाने में निर्वाचन आयोग फेल रहा है, जिससे मतदाताओं के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं। इन्हें गंभीरता से हल किया जाना चाहिए और इन्हें दूर किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अतिंगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को छोड़कर आम चुनाव के परिणामों में 538 क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए मतों में विसंगतियां सामने आई हैं। ADR की रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि सूरत सीट पर मुकाबला नहीं था, इसलिए 538 सीट पर कुल 589,691 मतों की विसंगति है। 17वें आम चुनाव में इलेक्शन के पहले 6 चरणों के लिए वोटर टर्नआउट ऐप पर मतदाताओं की सही संख्या दिखाई गई थी। हालांकि आखिरी चरण के मतदान में केवल प्रतिशत में आंकड़े दिए गए थे और निर्वाचन आयोग ने पिछले डेटा को हटा दिया था। विशेषज्ञों और ADR टीम की ओर से की गई स्टडी की माने तो 2019 के चुनाव के बारे में कहा गया 542 क्षेत्रों के मास्टर सारांश में 347 सीटों पर विसंगतियां दिखाई दी। 195 सीट में विसंगति नहीं थी। विसंगतियां न्यूनतम एक वोट से लेकर अधिकतम 101,323 वोट तक थी और यह अधिकतम संख्या कुल मतों का 10.49% तक था। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।